जैसे कि महिलाएं हैं वो मुद्रा नीति जो बनाती है उसको चलाने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा आरबीआई मुद्रा की जो तरलता है उसको कंट्रोल करती है। इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा था पहला बैंक पढ़ा था जैसे बैंक दूसरा रेपो दर या रिवर्स रेपो दर ये भी है और सीआरआर और एसएलआर और सीआरपी इसके अलावा क्या था, खुले बाजार की नीतियाँ, नैतिक प्रभाव, ये सब तो था। ये सारी चीजें आप लोगों ने बताई थी, सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को मार्केट में बढ़ाता भी है और घटाता भी है। इसके अलावा आपने देखा था कि आरबीआई के काम क्या क्या काम करते हैं, तो जो मुद्रा मतलब आपूर्ति को कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें पहला था आपका बैंक दर या इसको बैंक रेट भी कहते हैं। बैंक दर या बैंक रेट किसे कहते हैं सर्विस बताएं मैम, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है उसे दीर्घकाल ये सब इसमें होना चाहिए। जिस दर पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देती है उस दर को बैंक दर कहते हैं। इसमें ये मेंशन जरूर करें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को और दीर्घकाल। और आप मनीष रेपो रेट बताएं अल्पकालिक के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर अल्पकाल के लिए या अल्पावधि के लिए ऋण लेते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट आरबीआई के पास जमा करेंगे।
आरबीआई के पास 4 करोड़। अब इस दर को अगर आरबीआई बढ़ा दे और उसको 6% कर दे तब कितना जमा करना पड़ेगा? 6%। यानी कि ये जो दर है, अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट से पैसा वो खींचे या वाणिज्यिक बैंकों के पास ज्यादा पैसा ना रहे, तो इस दर को क्या करेगी? बढ़ा देगी, 6% कर देगी। 6% कर देगी तो जो वाणिज्यिक बैंक है उनको क्या करना पड़ेगा? अपना 6 करोड़ ले जाकर के आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत छोटा अमाउंट बताया है। अब ये सोचिए 1000 करोड़ में होता तब तब उसमें से 400 करोड़ तक देना पड़ता, यानी कि एक हैवी अमाउंट उनको अपना आरबीआई के पास जमा करना है, जिसके बदले में तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप महीने का 50,000 कमाते हैं या 1,00,000 कमाते हैं और आपको मतलब कुछ पैसा उसमें से 2% 4% ऐसा रखना पड़े जिससे आपको कोई ब्याज नहीं मिलने वाला, तो आपको ये मतलब खलेगा ना कि पैसा तो मैंने यूं ही रखा हुआ, इससे मुझे कोई फायदा तो नहीं रहा, बल्कि इसको मैं किसी को ऋण के रूप में दे देता तो उसको मुझे ब्याज मिल जाता। तो बैंक के लिए फायदा कब होता है? कि जब ये रिजर्व रेशियो का रेट कम होता है, ज़्यादा होता है तो बैंकों को नुकसान होता है क्योंकि उनका एक हैवी अमाउंट आरबीआई के पास जमा हो जाता है। और ये आरबीआई जमा क्यों करवाती है? तो ये जमा करवाती है सिक्योरिटी के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है 100 करोड़, अब आपके पास ढेर सारे ग्राहक आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें लोन दे दीजिए, आपने लालच बस की मैं ज़्यादा ब्याज कमाऊंगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट दिया और अपने पास कुछ बचाया ही नहीं, अब उसमें से बहुत सारे जो ग्राहक है वो पैसा लेके भाग गए, अब आपका पैसा लेके भाग जाएंगे तो फिर आपके बैंक का पूंजी टूट जाएगा और फिर बैंक क्या हो जाएगा? घाटे में आ जाएगा। बैंक घाटे में आ जाएगा तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा और कमजोर होगा तो फिर एनपीए जिसको कहते हैं ना एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे में आरबीआई सोचती कि इनका ऐसा कुछ अमाउंट हमारे पास सुरक्षित रहे ताकि इनका दिवालिया वगैरह न निकले, ये क्योंकि बैंक का काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटो और उस पर ब्याज कमाओ और उसी ब्याज से अपना मुनाफा कमाओ और मुनाफा कमा के अपने आप को और बढ़ाओ और स्थिति मजबूत करो। लेकिन ये हमेशा फायदेमंद तो होता नहीं, कई बार उनके पैसे डूब भी जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कतें भी होती हैं। इसलिए आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में क्या हो गया, बहुत सारे बैंक का बहुत सारे एनपीए हो गया और बहुत सारे बैंक टूटने लगे तो सरकार ने विलय कर दिया, कई सारे बैंकों का आपस में मर्ज कर दिया ताकि वो ना टूटे ना खत्म हो, तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए आरबीआई क्या करती है कि उनके हैवी अमाउंट में से कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व के रूप में रखवाती है कि जब स्थिति आपकी खराब होगी तब आपको ये अमाउंट दिया जाएगा। तो ये आरबीआई के पास इतना होता है जिसमें उनको कोई ब्याज नहीं मिलता और ये कैश के रूप में होता है और ये आरबीआई समय समय पर घटाती बढ़ाती रहती है, बट बढ़ाएगी कब? जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और आरबीआई सोचेगी कि मुद्रा स्फीति आ गई है, मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है मार्केट में, अब मार्केट से पैसा खींचना चाहिए, तब क्या करेगी? सीआरआर का दर बढ़ा देगी। अब बैंक को अपने टोटल अमाउंट का एक हैवी अमाउंट ले जाकर के आरबीआई के पास जमा करना होगा, जब वो आरबीआई के पास जमा कर देंगे तो उनके पास ऋण बांटने के लिए पैसे कम होंगे, जब उनके पास ऋण बांटने के लिए पैसा कम होगा तब वो ऊंची ब्याज दर पे देंगे या कम बांटेंगे और जब लोगों को कम पैसा देंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा और इस तरह से मार्केट में पैसे की आपूर्ति घटने लगेगी और धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये भी एक उपकरण है या तरीका है मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति को कंट्रोल करने का। अब मान लीजिए मार्केट में लंबे समय तक ऐसे बना रहा और मुद्रा की आपूर्ति घट गई, मुद्रा और स्थिति आ गई यानी कि मुद्रा कम हुआ और स्फीति होगी, आप क्या करेंगे? आरबीआई जो दर है सीआरआर को घटा देगी, 6% से 4% कर देगी, 3% कर देगी, अब बैंकों के पास पैसा बांटने के लिए ज़्यादा रहेगा तो बैंक कहेंगे कि मैंने वो तो बांटेगी क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए तो वो बांटेंगे और जब व्यापारियों को परिवार के लोगों को और बाकी लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे? मार्केट में निवेश करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे, डिमांड करेंगे तो मार्केट में पैसा की मात्रा बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? अब स्फीति से कंट्रोल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि रेपो रेट बढ़ने से क्या असर आता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या असर आता है, बैंक दर बढ़ाने से क्या असर आता है, वैसे ही आपका सीआरआर है, इसका भी डायग्राम बना दें आप लोगों के लिए। सीआरआर तो सबसे पहले तो लिख लीजिए सीआरआर है, ठीक है, पहले लिख लीजिए ताकि अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में पूछे तो आप उसे बता सकें कि सीआरआर है क्या। सीआरआर हेडिंग है आपका बैंकों को ग्राहकों द्वारा
नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कुल जमा ब्रैकेट में निबल मांग एवं समय देता अपनी कुल जमा ब्रैकेट में निबल मांग यानी कि शुद्ध डिमांड एवं कुल देयता जितना वो देते हैं निबल मांग एवं समय देयता इसको इंग्लिश में कहते हैं NDTL नेट डिमांड टाइमलाइन NDTL इंग्लिश में इसे कहते हैं NDTL जिसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइमलाइन ब्रैकेट बंद का एक निश्चित प्रतिशत निश्चित मतलब जितना आगे निर्धारित करे एक निश्चित प्रतिशत RBI बैंक के पास या भारतीय रिजर्व बैंक के पास RBI के पास या भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं जैसे मैंने आपसे बताया कि मान लीजिए इनके पास 100 करोड़ रुपए हैं RBI ने कहा कि 4% CRR मेरे पास जमा कीजिए तो बैंक के पास कितना बचा बांटने को 96 करोड़ रुपए बचे अब मान लीजिए कि इनके पास 100 करोड़ रुपए थे RBI ने कहा कि 10% मेरे पास आपको CRR के रूप में जमा करना होगा तब इनके पास कितना बचा 90 करोड़ बचा बांटने को इस तरह से पहले की अपेक्षा तुलना
ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास नकद रूप में रखना पड़ेगा या जमा करना पड़ेगा। आप जो भी समझे और आप
जारी करती है, जैसे खजाना भी है, ट्रेजरी भी।
लेकिन आप ये चाहते हैं कि मार्केट में पैसा कम हो गया है और मुद्रा और स्थिति आ गई है, ऐसे भी आप ये क्या कर सकती है?
ज्यादा से ज्यादा नगद बांड लेंगे, प्रतिभूतियां जो है वो भी बेच करके पैसा ले लेंगे, गोल्ड बेच करके पैसा ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, बांटेंगे लोगों को। और जब बांटेंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, तरलता बढ़ जाएगी, और जब तरलता बढ़ेगी तो मुद्रा अवस्फीति कंट्रोल हो जाएगा। बस में क्या है तो SLR क्या है इसके बारे में दो लाइन नोट कर लीजिए ताकि आप लोग बाद में इसको रिविजन कर सके। SLR वैधानिक तरलता अनुपात या स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा, अपने कुल जमा ब्रैकेट में निबल मांग एवं समय देता, ब्रैकेट में निबल मांग एवं समय देता बराबर NDTL नेट डिमांड एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, संरक्षित रखना होता है जिसे वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, जिसे वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं।
अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। अपने पास SLR के रूप में रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। SLR के रूप में जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक है इनको अपने पास रखना पड़ेगा। चलिए SLR
वैल्यू बढ़ती है, उसकी डिमांड नहीं रहती, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये भी ऐसे में क्या होता है, बढ़ गई तो मुद्रा स्फीति का जो दबाव है मुद्रा की मात्रा कम हो गई, बस वो सेवाएं सस्ती हो गई। मुद्रा स्फीति की मात्रा ज्यादा रहती है मुद्रा की, बस वो सेवाएं महंगी रहती है। बात समझ में आ गई? हम इसी का सेम अपोजिट होगा, हो जाएगा अब, हो जाएगा आप नहीं बता रहे हैं क्या? ठीक है सभी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। ये काम से याद रखेंगे तो आप लोगों को मुद्रा बैंकिंग से जितने भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आईएएस में यही से क्वेश्चन आता है, मुद्रा बैंकिंग से ही आता है, दूसरा राष्ट्रीय निगम से, दो चैप्टर आयोग का फेवरेट है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और यही दो चैप्टर है जहाँ बच्चों को दिक्कतें होती है, एक आपका मुद्रा बैंकिंग और दूसरा राष्ट्रीय निगम, ये दो चैप्टर इतना यही दोनों सबसे आसान भी है क्योंकि इसके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, एक बार समझ लीजिए। तो फिर कैसा भी आईएएस में कहीं भी क्वेश्चन आए आप एक मिनट बस पढ़ते पढ़ते ही आपको उत्तर पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक ना। अब अगला जो हमें देखना है वो है खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट जो आपका था वो क्या था? खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट जो आरबीआई काम करता है एनबीटी का जो नेक्स्ट उपकरण है आरबीआई का वो क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अस्थिति कंट्रोल है, चूंकि लोगों को पैसा देगी तो अस्थिति
रीजन में खड़ी है क्योंकि मार्केट से पैसा वो नीचे ही, यही है कंफ्यूज ना होइएगा क्रय विक्रय क्रय और विक्रय यही टॉपिक है। अच्छे खासे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खरीदती है तब पैसा पड़ता है कि बेचती है, तो जब आप किसी का सामान लेंगे और उसको पैसा देंगे तो पैसा मार्केट में जाता है, और जब आप उसको कहेंगे कि आप जो है सामान मुझे दे दीजिए और अच्छा पैसा ले जाइए, तो विक्रय जब करेंगे तो पैसा खींचेगी, क्रय जब करेंगे तो पैसा देगी। ये चांस बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुद्रा स्फीति और मुद्रा स्फीति कौन सा काम करती है। बाकी तो सीआरएम के सही हो जाते हैं लेकिन यहाँ जा करके लोग गलत कर देते हैं, तो इसलिए इस टर्म्स को जाना क्रय और विक्रय दिया रहेगा। क्योंकि मैम आरबीआई खरीदेगी और बेचेगी क्योंकि वैधानिकता उसी के पास है, प्रतिभूतियाँ मुद्रा कंट्रोल वही करती है, मौद्रिक नीति उसी के पास है, वैधानिक नीति वही बनाता है, सबको नियंत्रित वही करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि मुद्रा स्फीति अकेले आरबीआई कंट्रोल करती है तो गलत, अकेले सरकार करती है तो गलत, लोग करते हैं, आरबीआई ज्यादा करती है, 90% के लगभग आरबीआई करती है और 10% योगदान सरकार के लिए। सरकार क्या करेगी जब मार्केट में पैसा ज्यादा होती है उस समय सरकार क्या करती है, ब्याज दर बढ़ा देती है। ब्याज दर जब बढ़ा देगी या कहेगी जैसे आप कोई सामान बना रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सब पे, जितना इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है कौन सो सरकार नहीं करती, सरकार करती है। अगर सरकार दोनों बढ़ा दे, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ा दे कि आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो आप जो भी वस्तु और सेवाएं बनाएंगे वो जो उस पर टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा तो महंगी हो जाएगी, और जब वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएगी तो आप वस्तु और सेवाएं कम लेंगे। पैसा तो दे रही है आरबीआई को चाली मार्केट में, लेकिन पैसे को खींचने का काम सरकार भी कर रही है। सरकार पैसे देती भी है कैसे, एक तो वो पैसे जब बढ़ाएगी, ये क्वेश्चन आता है कि मुद्रा स्फीति में सरकार कौन सी नीति अपनाएगी, राजकोषीय नीति क्या अपनाएगी, तो उस समय क्या करेगी टैक्स बढ़ा देगी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी, सारी वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएंगी, लोग कम खरीदेंगे, कम उत्पादन होगा तो अपने आप मुद्रा स्फीति कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब मार्केट में मुद्रा की कमी है तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, तब जो सरकारें हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देगी क्योंकि ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं घटते हैं, तो क्या करेगी घटा देगी, जब घटा देगी तो वस्तु और सेवाएं सस्ती हो जाएगी। आप एक कपड़े की जगह दो खरीद लीजिए, मान लीजिए आप गए और 2000 रुपए की एक शर्ट या एक सूट मिल रहा है तो आप एक ही लेके आएंगे, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री कर दिया, लोगों ने सस्ता कर दिया जो कि उनको कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होंगे आप दो खरीद के लेके आ जाएंगे, यानी कि मार्केट में पैसा ज्यादा आने लगेगा। इसके अलावा जब सरकार चाहती है कि मार्केट में पैसा ज्यादा जाए तो क्या करेगी, सड़क पुल और बहुत सारी योजनाएं निकालेगी, और इस योजना के तहत लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सरकार सबको पैसा देगी, सबके पास पैसा आएगा, अभी आप सबको रोजगार मिल जाए आप सबके पास पैसा आने लगेगा, और आप सब क्या करेंगे सामान खरीदना शुरू करेंगे, सरकार जब पूंजीगत काम करने लगे तो लोगों को रोजगार दे सकती है। ऐसा करके भी सरकार क्या करती है, मार्केट में पैसे को उतारती है ताकि मार्केट में पैसा आए और लोग डिमांड करे, उत्पादन बढ़े, निवेश बढ़े, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, अर्थात दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन 80 से 90% के आसपास 100% में से ज्यादातर काम कर आरबीआई लेकिन सरकार भी कर रही है, दोनों मिलकर इसको करते हैं, लेकिन मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई को ही मानते हैं। लेकिन मुद्रा स्फीति और मुद्रा स्फीति को दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं या अर्थव्यवस्था को चलाने में दोनों का होता है, सरकार राजकोषीय नीति बनाती है और आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है, दोनों मिलकर के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हैं, मुद्रा स्फीति और अस्फीति को दोनों कंट्रोल करते हैं, पहले आरबीआई करती है, आरबीआई से नहीं होते तो सरकार मदद करता है, फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देता है। तो खुले बाजार की नीतियाँ समझ आई, लिखेंगे आप लोग नहीं तो भूल जाएंगे, मुझे पता है, इसको नोट कर लीजिए दो तीन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कीजिएगा खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं और ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसमें लिखिएगा। खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक
खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों कॉमा ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत वे पत्रों का क्रय विक्रय करता है। अन्य स्वीकृत वे पत्रों का क्रय विक्रय करता है। आप पैसा लेके भाग गए, अब उस
का डूब गया ना, और कोई भी नुकसान करके कभी काम नहीं करता, हर कोई हर काम के पीछे फायदा चाहता है। तो अब बैंक क्या करेंगे, आपकी संपत्ति जितना हम लोन दे रहे उससे ज़्यादा होना चाहिए। बाय द वे अगर आप लेके भाग गए तो हम आपकी संपत्ति का नीलाम करके कम से कम कुछ अतिरिक्त फायदा तो कमा सके, क्योंकि फायदे के लिए तो हम दे रहे हैं, कोई वहाँ पर सोशल वर्क करने को बैठे नहीं बैंक कि 10 ले गए 10 ही दीजिएगा, मुझे तो मुनाफा चाहिए। तो जो आप ऋण लेने आते और ये भी कौन निर्धारित करता, आरबीआई, कि आप जिसको ऋण देंगे उससे जो आप अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रखवाएंगे वो सिक्योरिटी ऋण देने से कितना गुना ज़्यादा होना चाहिए। अगर आरबीआई कह रहे कि जितने का ऋण दे रहे उतने की सिक्योरिटी रखिए तो इसका मतलब कम, अगर आरबीआई कह रहे कि उससे 1-2 लाख ज़्यादा हो तो एवरेज, अगर कह रहे कि नहीं कम से कम 3-4 लाख ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो रेशियो जो अनुपात आ रहा है ऋण देने और सिक्योरिटी रखने के बीच का जो अंतर है इसी को क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता रिक्वायरमेंट। कि भाई क्या करें कि इसमें हमें क्या मार्जिन मिल रहा है, हमें कोई मार्जिन, अक्सर आप सोचते होंगे ना व्यापारी को कहते हैं या बाजार में जब जाते सामान लेने भैया इतना और थोड़ा सा कर लेंगे, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं कर पाएंगे। मार्जिन मतलब कि मेरे लेने और आपको देने के बीच मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसी को कहते हैं मार्जिन। तब ये और बैंक भी रखते हैं इनके पास मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा रखेंगे तभी उनको वो सेवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं लेकिन भाग भी जाएगी तो इसका नीलाम करके हम अपना फायदा निकाल लेंगे। ये निर्धारित कौन करता है, आरबीआई। जब आरबीआई की जो दर है जो मार्जिन है इसकी मात्रा बढ़ा दे तो क्या करेंगे लोग कम लोन लेंगे, भाई जिसके पास रहेगी ज़्यादा पैसा संपत्ति वही गिरवी रख के पैसा ले पाएगा, जिसके पास कम है वो कैसे लेगा, तो लोग कम उधार लेंगे कि भैया ज़्यादा इनके पास ऋण रखेंगे तब तो ये हमें ऋण देंगे, जाने देते नहीं देंगे। तो ये मार्जिन की जो मात्रा है ये जब आरबीआई बढ़ा दे तो लोग कम ऋण लेंगे, और कम ऋण लेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा और कम जाएगा तो क्या स्थिति कंट्रोल हो गई। और अगर इस मार्जिन की दर को आरबीआई घटा दे तो आसानी से लोन मिलने लगेगा, आसानी से लोन मिलेगा तो हर कोई लोन लेना चाहेगा और फिर मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, आसानी से आएगा क्योंकि और स्थिति कंट्रोल होगा। तो ये भी क्या है, एक उपकरण है आरबीआई का मार्केट में पैसा बहाल करने का और मार्केट से पैसा खींचने का, पास में नहीं आए इसको नोट कर लीजिए नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसको हेडिंग है अपना सीमांत आवश्यकता, सारे लोग ये टर्म्स अपनाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि इसको कहते क्या है। अब याद रखिएगा आपको कि कितना बैंक करवा रहा है, यहाँ जाएंगे जो देखेंगे ऐसा लाभ इसमें कम है, इसका मतलब ऋण कम देना पड़ेगा कम रेट में हमें, लेकिन जब लगेगा कि नहीं समय तो रेपो रेट ज़्यादा, यानी कि बैंकों को भी महंगा मिल रहा हो, यानी हमें भी महंगा देंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए सीधे साधे के आरबीआई ने कम रखा हुआ है बैंक ज़्यादा बता रहा था, आप कह सकते हैं मामले कि भाई आप इस समय तो इससे लाभ ज़्यादा नहीं है और आपका रेपो रेट भी ज़्यादा नहीं है, आप इतने ज़्यादा रेट पर मुझे क्यों दे रहे हैं, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये जागरूक इंसान है और फिर वो आपको नहीं ठग पाएंगे, वो हर कोई अपने स्तर पर ठगता है, बैंक भी ठगते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, चलिए तो आपने यही किया सीमांत आवश्यकता, इसमें नोट कीजिएगा वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वालों को, वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वालों को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों
आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहा जाता है। बीच अंतर को सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहा जाता है। अभी तो समझ में आ गया होगा, अगर इसी ऋण मार्जिन को आगे बढ़ाएंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, और इसी ऋण मार्जिन को आगे घटाएंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, जिससे मुद्रा स्फीति और स्थिति अवस्थिति कंट्रोल होगा। मन करेगा कि इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना, कि बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा ये ऋण मार्जिन, और घटेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग कल इसमें अगला जो है हेडिंग वो है आपका नैतिक प्रभाव, कल हम लोग नैतिक प्रभाव पढ़ेंगे, उसके बाद